नमस्कार। कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी रामगंज मंडी जिला कोटा राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन अधिनियम सन 1961 के प्रावधान के पश्चात कृषि उपज मंडी समिति रामगंज की स्थापना 1 जनवरी सन 1964 को हुई। 14 अप्रैल 2016 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत रामगंज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम से जोड़ा गया। तो आइए जानते हैं क्या इसकी प्रक्रिया है और किस प्रकार हमारे किसान एवं व्यापारीगण इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। फाटक प्रवेश ई नाम के अंतर्गत प्रथम प्रक्रिया के दौरान किसान अपना पंजीकरण करवाता है और अपने उत्पाद की पूरी जानकारी देता है, जिसके बाद किसान को गेट एंट्री रसीद दी जाती है, जिस पर लॉट संख्या, तारीख, किसान का नाम तथा उसके उत्पाद से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। किसान अपने उत्पाद को ऑक्शन प्लेटफॉर्म यानी नीलामी मंच पर ले जाता है, जहां प्रयोगशाला विश्लेषक द्वारा 250 ग्राम सैंपल लिया जाता है। सैंपल को प्रयोगशाला में लाए जाने के बाद छन्नी की मदद से उसकी क्लीनिंग की जाती है और साथ ही एनालाइजर मशीन की सहायता से फसल की नमी, तेल, प्रोटीन आदि गुणवत्ता मानकों पर जांच की जाती है। उसी आधार पर फसल की श्रेणी निर्धारित की जाती है, जिसे हम असेइंग कहते हैं। श्रेणी एवं पिछले 7 दिनों की कीमतों के आधार पर मंडी सचिव द्वारा न्यूनतम कीमत तय की जाती है, जिसे मंडी के सभी व्यापारी देख सकते हैं और इस प्रकार लॉट बिकने के लिए तैयार हो जाता है। किसान के संतुष्ट होने पर ही आगे की प्रक्रिया की जाती है। सभी व्यापारी बोली लगाने के लिए एकत्रित होते हैं और ई नाम कर्मचारी द्वारा ऑक्शन शुरू किया जाता है। सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यापारी का पूर्ण विवरण कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, जिसके बाद किसान के मोबाइल पर सहमति के लिए मैसेज किया जाता है,